तमाम खबरों के लिए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। वायुसेना में शामिल हुआ स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को सौंपा LCH। पाकिस्तान की सीमा पर होगी तैनाती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोधपुर एयरबेस पर प्रचंड स्वदेशी निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में उड़ान भरते दिखाई दिए। कार्यक्रम में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वदेशी साजो सामान पर भरोसा करती है वायुसेना। प्रचंड के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से हमारे रक्षा उत्पादनों की राह में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत के पहले स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को प्रचंड नाम दिया गया है। वायुसेना को सौंपने से पहले अनोखे अंदाज में किया गया स्वागत। LCH के ऊपर पानी की बौछार की गई। ईरान से चीन जा रहे विमान में मिली बम की खबर। वायुसेना ने सुखोई को पीछे लगाया था। वायुसेना ने कहा इंडियन एयर स्पेस से निकाला विमान। उधमपुर ब्लास्ट में पकड़े गए आतंकी का कबूलनामा। कहा POK से व्हाट्सएप पर आए वीडियो से बम लगाना सीखा। कई एजेंसियां कर रही हैं पूछताछ। प्रतिबंधित संगठन PFI के समर्थन में आए नक्सली PFI पर बैन को गलत बताया। जांच एजेंसियों ने पहले ही PFI के संबंध में नक्सलियों के साथ होने का जिक्र किया था। गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिन का जम्मू कश्मीर का दौरा। माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन भी करेंगे अमित शाह। 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के हिमाचल प्रदेश बिलासपुर पहुंचे JP नड्डा। पार्टी की बैठक में लिया हिस्सा। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी उनके साथ मौजूद रहे। सोनिया और प्रियंका गांधी आज पहुंचेंगी मैसूर। सूत्रों के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा में हो सकती हैं शामिल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। शिंदे बोले धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली से पहले उद्धव कैंप का नया टीजर। शिंदे गुट पर साधा निशाना। कहा धोखा देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उद्धव ठाकरे की दशहरा रैली को मिला NCP का समर्थन। मातोश्री के बाहर NCP ने रैली के समर्थन में लगाए पोस्टर। उद्धव गुट वाली शिवसेना को शुभकामनाएं दी। दुर्गाष्टमी के मौके पर राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने की पूजा। मुख्यमंत्री आवास पर जगदम्बे भवानी मंदिर में हवन कराया। CM योगी ने धार्मिक आयोजनों को लेकर आदेश जारी किया। पूजा पंडालों में बिजली और अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन करने को कहा गया। गुजरात के 2 दिन के दौरे पर अहमदाबाद पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अहमदाबाद के गांधी आश्रम का दौरा किया। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित। मुलायम सिंह यादव की हालत है बेहद नाजुक। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ICU में है भर्ती। प्रधानमंत्री मोदी ने अखिलेश यादव से बात कर मुलायम का हाल चाल जाना। UP के सेफर में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के लिए पूजन। हनुमान मंदिर में मुलायम सिंह यादव की फोटो लगाकर किया हवन। महाराष्ट्र बिहार UP समेत अलग अलग राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को होंगे उपचुनाव। 6 नवंबर को मतगणना होगी। अमृतसर में किसानों का रेल रोको आंदोलन। पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। भारी संख्या में की गई पुलिस की तैनाती। दिल्ली के सुंदर नगरी में लड़के की मौत पर आज भी प्रदर्शन है जारी। पुलिस ने लोगों पर काबू पाया। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम में फैक्ट्री की दीवार गिरने से बड़ा हादसा। मलबे में दबने से 2 मजदूरों की गई जान। अस्पताल में भर्ती कराए गए 2 घायल। उत्तर प्रदेश के भदोही में बड़ा हादसा। दुर्गा पूजा पंडाल में लगी भीषण आग से 1 बच्चे समेत 5 की गई जान। 64 लोग झुलसे। बिहार के गोपालगंज में आरती के दौरान मंदिर में मची भगदड़। कई महिला श्रद्धालु घायल। दुर्गाष्टमी के मौके पर जमा हुई थी भीड़। तमिलनाडु के त्रिची में अचानक फटा हीलियम गैस टैंक। भगदड़ में 1 की गई जान। कई घायल। CCTV में रिकॉर्ड हुआ वीडियो। UP के फतेहपुर में दुर्गा पंडाल में हड़कंप। हनुमान का किरदार निभा रहे एक आदमी की मंच पर गई जान। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। गुजरात के तारापुर में गरबा खेलते हुए एक आदमी को पड़ा दिल का दौरा। अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गरबा पंडाल में हंगामा। खास समुदाय के 3 लोग पंडाल में घुसे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। लोगों ने जमकर पिटाई। महाराष्ट्र के नासिक में डांडिया खेलने को लेकर 2 गुटों के बीच विवाद। करीब 3 लोगों ने हथियार लहराकर दहशत फैलाने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में गरबे के दौरान DJ बजाने पर बवाल। 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। कई लोग घायल हुए। UP के अमीरपुर में स्कूल बना कुश्ती का अखाड़ा। प्रिंसिपल ने स्टाफ को थप्पड़ मारा। बाल पकड़कर जमीन पर पटका। आगरा में बच्चा चोरी के शक में एक आदमी की जमकर पिटाई। आदमी को रस्सी से बांधा। पीटने के बाद गांव वालों के हवाले किया। हनी सिंह के दोस्त अल्फाज पर हमला करने वाले आरोपी विकी गिरफ्तार। मोहाली में आरोपी ने गाड़ी चढ़ा दी थी। अल्फाज की हालत में हुआ सुधार।
गैंगस्टर दीपक टीनू के पुलिस कस्टडी में फरार मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में सीआईए प्रभारी निलंबित। पुलिस को शक है कि सीआईए प्रभारी का ही टीनू के फरार होने के पीछे हाथ है। उत्तराखंड के मसूरी में महामंडलेश्वर की हत्या की कोशिश, मंदिर परिसर में घुसे संदिग्ध को रंगे हाथों पकड़ा गया, चाकू ब्लेड समेत कई हथियार बरामद हुए। पंजाब के गुरदासपुर में एक आदमी पुलिस स्टेशन से एसएलआर छीनकर फरार, आरोपी ने सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी, कहा पुलिस से इंसाफ नहीं मिलने पर हथियार लेकर भागा। मुंबई के कांदिवली में सरेआम सड़क पर चली गोलियां, एक आदमी की गई जान, तीन लोग घायल हुए, घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। यूपी के जालौर में जमीन विवाद में भतीजों ने अपने चाचा को गोली मारी, घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, पुलिस ने आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर दी है। दिल्ली में नशे में 6 साल के बच्चे की गला रेत कर हत्या हुई, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, पुलिस को तंत्र मंत्र के बाद बलि की आशंका है। यूपी के बिजनौर में रिहायशी इलाके में गुलदार दिखने से हड़कंप मचा, सड़क पर घूम रहा गुलदार, सीसीटीवी में रिकॉर्ड, ग्रामीणों ने वन विभाग से की शिकायत। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस ने एक फर्जी दारोगा को गिरफ्तार किया, पुलिस की वर्दी पहनकर हाईवे पर अवैध वसूली करता था। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक बस खाई में गिरी, हादसे में एक आदमी की गई जान, कई लोग घायल हुए। एमपी के मंडला में हाथियों का आतंक, धान की फसल की देखरेख कर रहे गांव वालों पर हमला किया, एक आदमी की गई जान। लिबान की हार से बौखलाए पुतिन ने यूक्रेन के शहरों पर तेज किया हमले, जेलेंस्की के गुनहगार पर रूसी फौज का आत्मघाती ड्रोन से हमला। रूस ने MI-24 एयरक्राफ्ट से यूक्रेन के ठिकानों और हथियारों को तबाह करने का दावा किया, रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। अफगानिस्तान में प्रदर्शनकारी महिलाओं पर पुलिस की अंधाधुंध फायरिंग, कई महिलाएं जख्मी हुई, काबुल के एजुकेशन सेंटर पर हुए आत्मघाती हमले पर विरोध कर रही थी महिलाएं। ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शनकारियों और बढ़ी पुलिस की बर्बरता, 17 साल की निकाह नाम की एक लड़की का शव मिला, हिजाब के विरोध में उतरे लोगों के मरने वालों की संख्या 92 पहुंच गई है। ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन जारी, स्कूल की कई छात्राओं ने हिजाब उतारकर विरोध जताया है। ईरान के तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी में फंस गई कई छात्राएं, अपने छात्रों के रेस्क्यू के लिए पहुंचे परिजन, ईरान में कई दिनों से प्रदर्शन जारी है। आर्मेनिया ने अजरबैजान पर लगाया युद्ध अपराध का आरोप, कहा अजरबैजान के सैनिकों ने संघर्ष के दौरान पकड़े गए आर्मेनिया के सैनिकों को मारा। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। न्यूज 18 इंडिया